मीका दी बॉडी यानी मीका का स्वयंवर जो है फिलहाल हो रहा है। रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि फराह खान जो है, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मीका सिंह की, तो मीका को सपोर्ट करने, मीका की हेल्प करने टू चूज़ द राइट ब्राइड आई थी शो में, और उन्होंने लड़कियों से बात करते हुए अपने खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से वो शादी होने के बाद एक साल के अंदर अंदर ही उनके पति को छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रही थी। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से फराह खान ने जो है अपने पर्सनल लाइफ का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा लड़कियों के साथ शेयर किया, जो आई है दुल्हने बनकर मीका सिंह का दिल जीतने, और इनमें से कोई एक जो है मीका दी वोटी बनेगी यानी मीका की दुल्हन बनेगी, स्वयंवर में मीका का हाथ जो है वो थामेगी। चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में, देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, मीका सिंह को किस तरीके से लड़की चाहिए ये सारी चीज़ें देखने के लिए फराह खान आई थी। उन्होंने एक हद तक मदद भी की मीका सिंह के, लेकिन उसके पहले उन्होंने हर एक लड़की के साथ इंटरेक्ट किया, पोल खोल वाला गेम भी खेला, और कई लड़कियों ने जो है फराह खान से सक्सेसफुल मैरिज के बारे में कई सारे टिप्स और सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए फराह खान नजर आई। एंड फराह खान कहती है मीका के बारे में सबसे पहले कि मीका बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, और सिर्फ कोई सॉर्टेड लड़की ही उसे संभाल सकती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई एज एज सच होना चाहिए शादी के लिए। मैं खुद 40 साल की थी जब मैंने शादी की, इस तरीके से फराह खान कहती है। जब आपको राइट पर्सन मिलता है तब आप इवेंचुअली शादी करते हो। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी की थी शिरिशविंदर जो उनके पति है, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे शादी की थी तो मैं शादी के एक साल में भाग जाना चाहती थी, क्योंकि इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडजस्टेड, और इतना आसान नहीं था, लेकिन इवेंचुअली हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, एंड धीरे धीरे हमें शादी के बाद समझ में आई चीज़ें कि किस तरीके से एक दूसरे को समझना भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑफकोर्स एडजस्टिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑफकोर्स वी वर इन लव, वी आर इन लव, एंड इस तरीके से हम हमारी शादी जो है विथ लव एंड रिस्पेक्ट के साथ चला रहे हैं, और टिप्स ऐसे ही लड़कियों को भी दी फराह खान ने। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आई सी यू गाइस सून।